मैं डॉक्टर शरद दीक्षित यूपीएससी की इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इकोनॉमिक्स में जो कंटेंट हम लोग डिस्कस किया हुआ था कि हम लोग इस समय इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी में पब्लिक फाइनेंस, मॉनेटरी, एग्रीकल्चर और डेमोग्राफी आता है। आपके स्टार्टिंग के जो 3 सेशंस हैं लेक्चर्स के, उसमें हमको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ही आपको बतानी है, जिसमें हमारा जो बेस ईयर रहेगा करंट में, जो वर्तमान समय में जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है, और उससे पहले का जो बेस ईयर था वो 4-5 है। इसके बाद जो करंट डाटा है जो वर्तमान में 1920 में है, जो हमारे यहाँ खाद्यान्न फसलें और गैर खाद्यान्न फसलें, ये जिनको हम नकदी फसलों के रूप में भी जानते हैं, उनका क्या उत्पादन है। क्योंकि अब जो प्रश्न आएगा MSP वाला, आप जान ही रहे हैं कि मुद्दा चल रहा है इस समय बहुत तेज़ी से, तो कई सारी चीज़ें हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को क्यों दिया जाना चाहिए, वो हम लोग फिर लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि समस्त उद्योगों की जननी, मानव जीवन की पोषक एवं संपन्नता का प्रतीक समझी जाती है। भारत जैसे विकासशील देश में बिना कृषि के विकास के भारत के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, तो इसीलिए कृषि का महत्व भारत जैसे विकासशील देशों के लिए और बढ़ जाता है। जो विकसित देश हैं उनमें जो कृषि का जो योगदान है वो लगातार कम है, मतलब उनका जो, मान लीजिए जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उसमें 5% है, जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसमें वर्तमान में 17% एग्रीकल्चर का रोल है। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था इन द ईयर ऑफ द 1950-51, तो नियर अबाउट 57% इंडिया का GDP में योगदान था, ठीक है, किसका, एग्रीकल्चर सेक्टर का। डेवलप्ड इकोनॉमी में कम क्यों, उनका इसलिए कम नहीं, उनका कम इस तरीके से है कि डेवलप्ड इकोनॉमी ने अपने यहाँ जो उनका कैपिटल फॉर्मेशन है, जो उनके यहाँ पूंजी निर्माण है वो बहुत अधिक मात्रा में है, वो उत्पादन भी बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, और उनका GDP के हिसाब से 5% लग रहा है, लेकिन वैसे उनका उत्पादन बहुत अधिक है। और डेवलपिंग इकोनॉमी में धीरे धीरे अब कृषि का हिस्सा लगातार कम होता चला जा रहा है। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत काफ़ी ज़्यादा बेचता, अब एग्रीकल्चर सेक्टर धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है और जो सर्विस सेक्टर है वो इंक्रीज करता चला जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस कर लेना मैं समझता हूँ कि आवश्यक है। पहला पॉइंट है, भारत कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता की दृष्टि से काफ़ी धनी देश है। यहाँ का कुल क्षेत्रफल का लगभग 47% यहाँ पर जो एरिया है अपने यहाँ डेमोग्राफिक लैंड का, उसका ज्योग्राफिक लैंड का, वो कैसा है, शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र है। मतलब इतने हिस्से में भारत में आसानी से कृषि की जाती है, 47% हिस्से पर भारत में कृषि की जाती थी 1950-51 में। 1900 अभी आपने पढ़ा, 1950-51 जो 52.2% इंडिया की GDP में इसका योगदान था। एक बहुत ही कॉमन चीज़ आ जाती है, बच्चे काफ़ी डिस्प्यूट हो जाते हैं कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द GDP, NNP, तो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लगे हाँ तो इसको भी यहीं में मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे कभी कभी जैसे कि कल हमने जाना था कि व्हाट इज नेशनल इनकम, तब हमने बताया था कि एक वर्ष में एक देश में इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स हैं उन जितने सेक्टर से जो भी प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन की मार्केट प्राइस का सम उस कंट्री की नेशनल इनकम कहलाता है। अब नेशनल इनकम में कई सारे कंपोनेंट आ जाते हैं। अब कई सारे कंपोनेंट्स में देख लीजिए, बहुत आसान है समझने का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम ऊपर यहाँ मेंशन कर देते हैं GNPMP, सबसे पहले हमने यहाँ मेंशन कर दिया। ये क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन एट द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब हुआ, मान लीजिए ये मार्कर है और इस मार्केट की जो प्राइस है वो 20 रुपये है, लेकिन जब प्रोड्यूसर ने इसको बनाया होगा तब इसकी कॉस्ट
₹10 आई होगी और ये बिक रहा है ₹20 में, तो ₹10 हो गया फैक्टर कॉस्ट FC हो गया और ₹20 इसकी जो कीमत है वो हो गई मार्केट प्राइस। अब तो GNP MP में से बहुत आसान है, इसमें केवल हमको 3 चीज़ें डिडक्ट करनी है। नंबर पहला डिप्रिशिएशन का मतलब टूट फूट घिसावट पर किया गया व्यय। दूसरा माइनस NFIA नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय है उसको माइनस कर देते हैं। और तीसरा है माइनस IT प्लस सब्सिडी है या माइनस IT इनडायरेक्ट टैक्स। जब भी हम ग्रॉस में से डिप्रिशिएशन को घटाएंगे, हमको मिलेगा नेट, बाकी पूरा सेम रहेगा, जी बदल जाएगा नेट में, तो पूरा हो जाएगा NNP MP। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्शन एट द मार्केट प्राइस। जब हम NFIA को घटाएंगे तब हमारा आ जाएगा GDP MP। GDP MP का मीन्स ये हुआ कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट द मार्केट प्राइस। क्यों? हमने बाहर के लोगों की आय को घटा दिया तो हमारे पास जो अब आय बची वो हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा ही प्राप्त है, तो GDP MP। जब हम GNP MP में से इनडायरेक्ट टैक्स को डिड्यूस करेंगे तब आएगा GNP FC। पूरा का पूरा सेम रहेगा, MP केवल FC में चेंज हो जाएगा। इसके बाद ये बचा। अब यहां पर नेट ऑलरेडी गिवन है तो इसका मतलब यहां पर हम डिप्रिशिएशन को नहीं घटा सकते, और यहां पर ऐसा है कि ये कॉलम बनेगा, एक ये बनाओ और एक ये बनाओ, ठीक। अब हमें ऐसा डिटेक्ट करना है कि हमारा ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम आए, तो हमें यहाँ पे N है तो D नहीं घटा सकते, यहाँ पर G है यहाँ पर N है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम माइनस D कर दें। जैसे ही D करेंगे तो ये आ जाएगा NDP MP, हमने यहाँ पर NDP MP लिख दिया। अब यहाँ पर N है यहाँ पर D है तो इस तरफ क्या रिड्यूस होगा, NFIA नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रॉड, क्लियर। डी घटा, इधर नहीं घट सकता था तो दो घटेगा, अब यहाँ NFIA घट चुका है, डी यहाँ घटना नहीं है, तो अब क्या बचा, IT आप यहाँ पर हम कर देंगे और आ जाएगा NNPFC। अब GNPFC है यहाँ पर NNPFC है, अब GNP है यहाँ पर ये है, तो माइनस डिप्रिशिएशन कर देंगे तो पूरा NNPFC आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए GDP MP है, क्या लेस करें, तो यहाँ पर डी घट चुका है, ठीक है, यहाँ पर डी घट चुका है, अब ग्रॉस है, अब इसमें हमें क्या घटाना चाहिए, यहाँ पर डी है तो NFIA नहीं घटा सकते और यहाँ पर FC दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ हम IT घटा दें तो GDP FC आ जाएगा। अब यहाँ GNP FC है, यहाँ GDP FC है, ये N है ये D है, तो यहाँ पर NFIA नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रॉड घट जाएगा। कोई बचा इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे क्लियर हो गए यहाँ पर। अब ये नीचे के तीन बचे, अब इन तीनों को आप ऐसे मेंशन कर लीजिए ऐसे, और इन तीनों से एक एक निकालो, NDP MP यहाँ पर लिख लो चाहे तो, NDP MP, NNPFC और GDP FC। अब हमें इन तीनों से डिडेक्ट करना है, अब हम GDP NNDP MP में क्या घटाएं, NNPFC में क्या घटाएं और GDP FC में क्या बटाएं। नेट है डोमेस्टिक यहाँ दिया है, नेट है तो D नहीं घट सकता, ठीक है, नेट है तो G नहीं, वो नहीं घट सकता। अब इसमें क्या घटा सकते हैं, नेट भी है डोमेस्टिक भी है तो NFIA नहीं घट सकता ना डी घट सकता है, तो यहाँ घटा दें हम IT, या NNPFC है यहाँ घटा दें NFIA और यहाँ माइनस D, तो ग्रॉस में से जब डी घटेगा तो आ जाएगा NDPFC नेट शुद्ध शुद्ध घरेलू उत्पादन फैक्टर कॉस्ट पे, और यहाँ पर NFIA तो यहाँ पर डी आ गया, यहाँ पर NFIA MP था तो ये FC हो गया,
तो ये एक पूरी टेबल है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसी में वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो नेशनल इनकम को पढ़ते समय आपको उसकी आवश्यकता पड़ती है। वापस आते हैं एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में जो 47% एरिया है वो हमारे देश का, वो क्या है, बोया हुआ क्षेत्रफल है। और 50-51 में जीडीपी का योगदान कितना था, उतना था, जो वर्तमान समय में घटकर 11% रह गया है। भारतीय कृषि द्वारा सूती वस्त्र, जूट और चीनी को कच्चे माल की प्राप्ति होती है, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है, विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र से जो भारत को आय होती है वो 50% आय की प्राप्ति होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। यहाँ पर लिख लो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जिसको हम कहते हैं निर्माण उद्योग या विनिर्माण उद्योग। भारत में सब बुलेट पॉइंट है। अब ये हो गया आपका इंडिया, और इंडिया में आपको पता है दो प्रकार की फसलें होती हैं, फूड एंड ग्रेन्स और नॉन फूड एंड ग्रेन्स, जिनको हम नकदी फसलें भी कहते हैं। यहाँ पर हम ऐसे लिख लें खाद्यान्न फसलें, और दूसरा हो जाएगा आपका नकदी फसलें। अब जो जानने वाली बात है, भारत की जो कुल भूमि है जहां पर हम बोते हैं, जो उपजाऊ जमीन है, उसमें भारत में 75% जो लैंड है उस पर किसका उत्पादन होता है, उस पर होता है खाद्यान्न फसलों का, चावल, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार। और जो नकदी फसलें हैं वो कितनी बची है, अब 25%। तो आपका एक पॉइंट हो गया, भारत की कुल जमीन पर जिस पर कृषि खेती की जाती है उसमें 75% जो फसलें हैं वो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है, और बाकी 25% फसलों पर हम नकदी फसलों का उत्पादन करते हैं। अगला पॉइंट, भारत में सीमांत खोद जो जोते हैं वो सबसे अधिक है। अब भारतीय जो कृषि है उसमें कई सारी दिक्कतें हैं, सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, संस्थागत हैं, जिसके कारण भारतीय कृषि अपनी उत्पादकता के अनुरूप उतना उत्पादन नहीं कर पा रही है। अगला पॉइंट, देश की कुल कृषि भूमि के मात्र 25% भूभाग पर एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। मतलब 25% ही एरिया ऐसा है जिस जहां पर मोर देन वन क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। भारत में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो चावल का होता है, अभी आगे आपको डेटा में बताऊंगा। गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पंजाब में सबसे अधिक है, उसके बाद हरियाणा में आती है। अब भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। काजू के स्थान पर वियतनाम और नाइजीरिया है। काजू का जो उत्पादन है उसका भारत में तीसरा स्थान है, पहले नंबर पर वियतनाम और दूसरे नंबर पर नाइजीरिया है। काजू के उत्पादन में भारत का ये
स्थान है, नोट कर लीजिए। भारत विश्व में कॉफी का सबसे छठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में काजू हो गया, कॉफी हो गई, कॉफी में सिक्स नंबरिंग पे है भारत, और सबसे अधिक कॉफी का जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक राज्य में होता है। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आम के अंतर्गत आता है। भारत में आम आता है और भारत में सबसे अधिक उत्पादन केले का होता है। अगला पॉइंट, भारत में सब्जियों में सबसे अधिक क्या बोया जाता है? आलू बोया जाता है और सबसे अधिक उत्पादन भी आलू का ही होता है। देश में फलों का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। फलों का जो सबसे अधिक उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। और सब्जियों का जो सबसे अधिक उत्पादन है, वेजिटेबल्स का, वो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। भारत ट्रैक्टर के उपयोग की दृष्टि में विश्व में चौथा स्थान है। ट्रैक्टर में अमेरिका, जापान, इटली के बाद भारत का स्थान आता है, जिसमें भारत ट्रैक्टर्स का यूज़ करता है या कंजप्शन करता है। मई 2020 के अग्रिम अनुमानों के तहत 19-20 में प्रमुख फसलों के उत्पादन की जो अनुमान है वो निम्नलिखित है। अब इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमारा एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है, जो हमारी फूड एंड ग्रेन्स हैं, उनका उत्पादन कितना अधिक होता है। सबसे अधिक आप जानते हैं कुल खाद्यान्न हमारे यहाँ जो अनुमानित है टोटल, तो 295.67 मिलियन मीट्रिक टन, 295.67 मिलियन टन का हमारा ये अनुमानित है 19 और 20 में, जिसमें ये हमारा टोटल कुल खाद्यान्न उत्पादन है। अब इसमें नंबरिंग आती है, चावल, गेहूं, अनाज, मक्का, ये हमारा टीपी है, टोटल प्रोडक्शन का एस्टिमेटेड है। अब चावल का जो प्रेडिक्शन है वो 117.94 मिलियन टन, गेहूं का
10.78 अरहर चना तिलहन सोयाबीन और मूंगफली। तो जो हमारे यहाँ टोटल जो खाद्यान्न है, जो टोटल फूड एंड ग्रेन्स है, उसमें चावल सबसे अधिक टॉप पर है। तो आप इस टेबल कर देख कर ये बता सकते हैं कि भारत में जो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन दो वर्ष 2020 का ये डाटा है और एस्टिमेटेड है, अनुमानित आंकड़ा है, ये एस्टिमेटेड है कि वर्ष 19-20 में जो उत्पादन होगा उसमें चावल का सबसे अधिक उत्पादन 117.94 मिलियन टन, फिर गेहूं का, फिर अनाज का, फिर मक्का का, फिर दलहन का, फिर अरहर का, फिर चना का, फिर तिलहन का, फिर सोयाबीन का और मूंगफली का। तो ये हमारा एक वर्तमान में जो प्रोडक्शन का अनुमान है उसकी एक टेबल थी। इसको आप अपना हिसाब से तैयार करते रहिएगा। अब कंपरेटिव स्टडी के लिए वर्ष 2011-12 में 252.56 मिलियन टन ये हमारा खाद्यान्न उत्पादन था। कब हुआ था? 2011 और 12 में। और 2019-20 का आपको पता चला, अभी हमने बता ही दिया है कि 19-20 में हमारा 295.67 मिलियन टन था। तो आपको पता चल गया कि 11-12 से और यहाँ पर 2019-20 में हमारा जो प्रोडक्शन है वो कितना इंक्रीज हुआ है फूड एंड ग्रेन्स का। अब आइए, एग्रीकल्चर में हम लोग पढ़ें और उसके बाद रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का नाम ना आए तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और अभी तो सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स देखते हैं। भारत विश्व में 15 कृषि उत्पादों, भारत विश्व में कृषि उत्पादों के 15 अग्रणी निर्यातों में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सांख्यिकी 2011 के अनुसार भारत में कृषि का निर्यात 23.2 बिलियन डॉलर था। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, कृषि का निर्यात,
जो 2010 में कृषि में विश्व व्यापार का 1.7% था, और 2010 में कृषि में जो हिस्सा था 1.2% था, कब का था? 2010 में, 2020 में डेटा बदल गया है, 1.7% हो गया है। तो ये हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में हमने क्या क्या किया। अब आइए विश्व में मछली के उत्पादन में भारत का छठा स्थान है। ये भी आपका अच्छा सा प्रश्न है कि क्या आता है। अब अगला प्रश्न है, इसी में क्रांति हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, हरित क्रांति। सभी बच्चे जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। सबसे पहली चीज आती है कि हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हरित क्रांति का सबसे पहले प्रयोग अमेरिका के विलियम गैड ने किया था। हरित क्रांति जो वर्ड है, शब्द है, इसका जो सबसे पहले प्रयोग था वो अमेरिका के विलियम गैड ने किया था और 1950 में हुआ था। एक फाउंडेशन थी, रॉकफेलर फोर्ड फाउंडेशन, इस रॉकफेलर फोर्ड फाउंडेशन में जो कार्यक्रम हुआ था इसका संचालन किया गया था नॉर्मन बोरलॉग द्वारा, इसका संचालन किया गया था नॉर्मन बोरलॉग द्वारा 1950 में, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। और इसीलिए और भारत में हरित क्रांति के जनक में जिसका नाम ये वर्ड में हो गया और भारत में आता है MS स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, तो हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमेरिका के विलियम गैड ने 1950 में रॉकफेलर फोर्ड फाउंडेशन के कार्यक्रम में किया था, जिस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। भारत में हरित क्रांति का जो जन्म है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। हरित क्रांति के कारण गेहूं, गन्ना, मक्का, बाजरा, हरित क्रांति के कारण गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि की फसलों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुई थी। जिसमें गेहूं में 2.5 गुना, धान में 3 गुना, मक्का में 3.5 गुना और ज्वार में 5 गुना।
गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, मक्का 3.5, धान नहीं है, अब कह सकते हैं हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं में कितनी वृद्धि हुई, तो हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं में जो वृद्धि रिकॉर्ड की गई वो 2.5% की गई, मक्का में जो वृद्धि रिकॉर्ड की गई वो 3.5% की उत्पादन वृद्धि प्रति हेक्टेयर हुआ है, धान में 3% की वृद्धि हुई है, बाजरा में 5.3% की वृद्धि प्रति हेक्टेयर की गई है और ज्वार में भी 5.5% की वृद्धि हरित क्रांति के फलस्वरूप हुई है। अगला श्वेत क्रांति, दूध में जो क्रांति आई है उसे हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। 1964-65 में देश में सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया, सघन पशु विकास कार्यक्रम देश में श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन श्वेत क्रांति के फलस्वरूप देश में सघन पशु विकास कार्यक्रम वर्ष 1964-65 में चलाया गया और इसमें पशु मालकों को सुधरे हुए तरीकों का एक पैकेज प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम को गति देने के लिए एक ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया और इस ऑपरेशन फ्लड के जो सूत्रधार थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। तो देश में श्वेत क्रांति के फलस्वरूप सघन पशु विकास कार्यक्रम वर्ष 1964 में चलाया गया और इसमें जो नस्लों के सुधार के लिए, जो नस्ल थी जानवरों के उनके सुधार के लिए, जो पशु मालिक थे उनके लिए एक विशेष पैकेज दिया गया और उसके साथ साथ ही इसको सफल रूप से संचालन करने के लिए ऑपरेशन एक फ्लड चलाया गया और जिसके जो निर्माता थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ऑपरेशन फ्लड 3 चरण में पूर्ण हो चुके हैं जिनसे किसानों व दुग्ध उत्पादों के में पर्याप्त आर्थिक लाभ हुआ है। तो आपको पता चल गया जो श्वेत क्रांति है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है दूध उत्पादन से और दूध उत्पादन को किस तरीके से बढ़ाया गया, सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कौन चलाया, कौन इसका वो था। अगला है येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति, नाम ही है पीली क्रांति, इसका मतलब किससे रिलेटेड होगी, तिलहन से, तिलहन में क्या आते हैं, तेल उत्पाद, तो तेल उत्पादों से ये रिलेटेड है और तिलहन में आत्मनिर्भरता को करने के लिए ये मिशन प्रारंभ किया गया था जो 23 राज्यों के 370 जिले शामिल हैं। जब इसकी स्टार्टिंग की गई थी तो 23 राज्य थे, 23 स्टेट थे, ठीक है, 23 स्टेट्स में ये कार्यक्रम चलाया गया था और इस स्टेट में 337 जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उनमें ये सबसे पहले पीली क्रांति को चलाया गया था। आज भी आयातों में हम तिलहन का काफ़ी अच्छा आयात करते हैं।
अगला पॉइंट है, आप डालिए। भारत की कृषि निर्यात नीति 2018। भारत की कृषि निर्यात नीति 2018। वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि निर्यात नीति 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की ने 6 दिसंबर 2018 को मंजूरी दे दी थी। क्योंकि जब कृषि से निर्यात होंगे तो कृषकों के पास आय पहुंचेगी। जब आय और सरकार का लक्ष्य ही था कि किस प्रकार से हम कृषकों के आर्थिक उन्नयन के लिए कार्य कर सकें, किस प्रकार से हम उनकी आय को डबल किया जा सके, और इस नीति को बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो अभी हम आगे आपको बता रहे हैं। नंबर पहला है, 2022 तक कृषि निर्यात को, पहला जो निर्णय था कृषि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को 30 अरब डॉलर से बढ़ाकर 60 अरब डॉलर करना। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 जो दिसंबर 6 दिसंबर 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में पारित हुई, उस नीति का जो पहला पॉइंट था कि जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं उनको हमें 2022 तक 30 अरब डॉलर से बढ़ाकर 60 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। तो ये हमारा उस एग्रीकल्चर पॉलिसी का ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है, स्वदेशी, नवीन, जैविक, पारंपरिक और गैर पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। जो भी चीज़ हम अपने यहाँ बनाते हैं उनके निर्यात को भी हमें बढ़ावा देना है। कृषि उत्पादों को बाजार तक आसानी से पहुँचाने के लिए एक संस्थागत प्रणाली विकसित करना। अगला, ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़कर कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाकर जल्द से जल्द इसे दोगुना करना, और किसानों को निर्यात बाजार से जोड़कर एग्रीकल्चर में फार्मर्स को ग्लोबल ट्रेड से जोड़कर बीज के जो बिचौलिए हैं उनकी समाप्ति करना। भूमि की उर्वरकता व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के प्रयास देश विदेश में वैज्ञानिकों के द्वारा किए जाते हैं। इस दिशा में सबसे पहले जो स्थान आता है सिक्किम में आता है। सिक्किम में लगभग 75,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को जैविक खेती के अधीन कर लिया है। जो सिक्किम स्टेट है, अगर प्रश्न आ जाए कि सिक्किम का कितना एरिया है, तो 75,000 हेक्टेयर, एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है आपको पता ही है, 75,000 जो हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड है सिक्किम में, उसको जैविक खेती के माध्यम से की जाती है, और जैविक खेती का ये पहला राज्य का भी दर्जा सिक्किम ने ही पा लिया है। अठारह जनवरी 2016 को गंगटोक में
कृषि मंत्रियों की एक बैठक आयोजित हुई जिसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अब रासायनिक से हमें जैविक की ओर जाना चाहिए। अठारह जनवरी 2016 को गंगटोक में कृषि मंत्रियों की एक बैठक हुई जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी थे और उन्होंने कहा कि अब हमें रासायनिक से जैविक मतलब क्षेत्रों जैविक क्षेत्र की ओर जाना चाहिए। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, इसमें आपको डाटा अभी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जो प्रश्न आएंगे वो डाटा से रिलेटेड आएंगे, एमएसपी से रिलेटेड आएंगे कि डाटा क्या है, एमएसपी पूछा जाएगा, पॉलिसीज पूछी जाएगी, कमेटीज पूछी जा सकती हैं। अगला पॉइंट, कृषि विकास के लिए योजनाएं। भारत में कृषि विकास के लिए समय समय पर कई सारी योजनाएं चली हैं, उसमें सबसे पहला आप डालिए प्रायोगिक फसल बीमा योजना, नंबर दूसरा पायलट फसल योजना, इसे भी बीमा लिख सकते हैं। व्यापक फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, कृषि आय बीमा योजना, इसको कृषि कर दो। अगला है कृषि आय योजना, कृषि आय बीमा योजना, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो कृषि विकास के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उसमें प्रायोगिक फसल बीमा योजना, पायलट फसल बीमा योजना, व्यापक फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, कृषि आय बीमा योजना, वर्षा बीमा योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है। अब पहला है
प्रायोगिक फसल बीमा योजना, ये बीमा योजना शुरू हुई 74 और 75 में। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हुई। लिख लीजिए, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, और कपास, गेहूं और मूंगफली। कपास, गेहूं और मूंगफली की फसलों के लिए इसे शुरू किया गया। यह केंद्र प्रायोजित योजना थी और इसके अंतर्गत सभी प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं अगर आती हैं तो इससे इनको केंद्र सरकार के द्वारा उन कृषकों को इसका फायदा मिलेगा। तो 74-75 में शुरू की गई योजना का नाम था प्रायोगिक फसल बीमा योजना। कब हुई? 74-75 में। दूसरी आई पायलट फसल बीमा योजना, ये 79 में है। टाइम पीरियड लिख लो 1979 में पायलट फसल बीमा योजना की शुरुआत देश के 9 राज्यों से की गई, जिसमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, में ये शुरू की गई। इसमें कपास, मूंगफली, मक्का, ज्वार, बाजरा, इन फसलों को शामिल किया गया इसमें पायलट फसल बीमा योजना के अंतर्गत। तीसरा, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, में व्यापक फसल बीमा योजना खरीफ मौसम में शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य प्रतिकूल अवस्थाओं में होने वाली क्षति से सुरक्षा प्रदान करना है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जो क्षति होती है किसानों को, उनको सुरक्षा देना है। पहले यह योजना कुछ क्षेत्रों में शुरू की गई, बाद में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। अगला है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, इसकी शुरुआत 1999 को की गई। अक्टूबर 1999 को राष्ट्रीय फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। लेकिन कुछ कारणों से यह योजना उस वर्ष नहीं शुरू हो पाई। और इसे 2002 में शुरू किया गया। इसमें दलहन तिलहन और मोटे अनाजों को सम्मिलित किया गया। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो वर्ष अक्टूबर 1999 को शुरू की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों बस वो नहीं हो पाई, और जिसको 2002 में शुरू किया गया। और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंदर जो फसलें हैं वो दलहन की हैं, तिलहन की हैं और मोटे अनाज हैं, उसको उसमें शामिल किया गया। इसके बाद इसमें 3 नकदी फसलें, अब इसमें 3 नकदी फसलें को भी शामिल किया गया, जो गन्ना था, कपास था और आलू को भी शामिल किया गया। तो
तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना दलहन तिलहन के साथ नकदी फसलों को भी शामिल किया गया, जिसमें गन्ना, कपास व आलू को शामिल किया गया। अगला, कृषि आय बीमा योजना, ये वर्ष 2003 और 4 में प्रारंभ की गई। कृषि आय बीमा योजना, इस बीमा के अंतर्गत किसानों की उनकी उपज का कुल मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आधारित मिलने की गारंटी थी। यदि किसानों की उनकी उपज का कुल मूल्य बाजार में इतना प्राप्त नहीं होता जितना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज को बेचने में प्राप्त होता है, इस प्रकार से हुई हानि को क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी। और इसी तरह से लागू होने पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को समाप्त कर दिया गया। जब ये बीमा बनी, इसमें क्या है, MSP डिसाइड किया गया। मान लीजिए गेहूं का किसान ने उत्पादन किया और उसकी जो कास्ट आई, उसने 2000 रुपये क्विंटल बेचने का सोचा, लेकिन मालूम चला जो MSP प्राइस है वो 1700 रुपये है। अगर सरकार खरीदेगी तो 1700 में खरीदेगी, और आदमी व्यापारी अगर व्यापार में अगर किसान बेचने जाता वहाँ 2200 मिलेगा। तो ये जो डिफरेंस है, जो सरकार ने खरीदा और जो उन्होंने खरीदा, उन दोनों का जो डिफरेंस 300 रुपये है, उसको सरकार के द्वारा या बीमा कंपनियों के द्वारा उसे पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट है वर्षा बीमा योजना। यह भारतीय कृषि बीमा निगम लिमिटेड द्वारा 2004 में शुरू की गई और इसमें 5 बिंदु अलग अलग थे। वर्षा बीमा योजना, कब शुरू की गई, 2004 में, और इसमें 5 बिंदु थे। नंबर पहला, 15 जून तथा 15 अगस्त की अवधि में वर्षा के आधार पर बुआई बफलता बीमा, जून तथा सितंबर के मध्य वर्षा की मात्रा के अनुसार वर्षा वितरण बीमा योजना, फसलों के लिए जल की आवश्यकता के आधार पर किए गए कृषि संबंधी सूचकांक के आधार पर, और एक आपात विकल्प जिसमें 50% तथा बेहद प्रतिकूल विसामान्यता और मौसम के दौरान अधिक वर्षा। तो ये जो बीमा थी, वर्षा बीमा योजना, इसका जो मेन टारगेट था वो किस समय से लेकर और किस समय तक का था, जून से सितंबर तक का। ठीक है कि इस दौरान जो किसान फसल बोता है अपने खेत में, और खेत में बोने के बाद यदि अधिक बारिश हो जाती है और बारिश हो जाने के कारण उस फसल का जितना हिस्सा उत्पादन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और किसान को जो आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है, वो वर्षा बीमा योजना के अंतर्गत जून से सितंबर तक की फसलों में के लिए उनको प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये स्कीम शुरू हुई 2007 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 16 अगस्त 2007 को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया। इसमें धान, गेहूं और दालों के उच्च उत्पादन, और किसानों की उच्च आय को निश्चित करना था, और किसानों की उच्च आय को निर्धारित करना था। ये योजना 16 स्टेट्स के 448 डिस्ट्रिक्ट में एक साथ प्रारंभ की गई, 16 राज्यों के
448 जिलों में इस योजना का आरंभ किया गया और बड़े पैमाने पर तूर उड़द मूंग चना और मसूर की खेती के लिए तूर उड़द मूंग चना 1 और मसूर इन पांचों के लिए एक स्कीम चलाई गई जिसका नाम था त्वरित दाल उत्पादन कार्यक्रम। इसका लक्ष्य एवं संरक्षण प्रौद्योगिकी की प्रभावकारिता का भी प्रदर्शन करता है। इसके अलावा सरकार ने दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया था। ठीक है, इसमें गेहूं चावल दाल का उत्पादन करने का मात्रात्मक लक्ष्य रखा गया। अब इसमें जो टारगेट रखा गया वो था चावल गेहूं जो नीड्स है हमारी, चावल गेहूं और दालें, इन तीनों को और अलग अलग बांट दिया गया कि कौन सा स्टेट्स ऐसा है जो चावल के प्रोडक्शन में इंगेज रहेगा, कौन सा दालों में रहेगा और कौन सा, तो चावल में आ रहा है 14 राज्य व 136 जिले। चावल में 14 स्टेट्स और 136 डिस्ट्रिक्ट्स, गेहूं में 10 राज्य और 141 जिले, 10 स्टेट्स एंड 141 डिस्ट्रिक्ट्स, और दाल में है 14 राज्य और 171 जिले। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो 2007 को प्रारंभ किया गया उसमें चावल गेहूं और दालों के मात्रात्मक उत्पादन को निश्चित किया गया और जो 448 जिले थे उन सब को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया चावल गेहूं और दालों के आधार पर, और ये तय किया गया ये राज्य इन्हीं क्षेत्रों में इन्हीं जिलों में काम करें जिससे कि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। चावल का जो वृद्धि है वो 10, 8 और 2, मतलब चावल में जो मात्रात्मक वृद्धि होनी है वो है 10 मिलियन टन, गेहूं में 8 मिलियन टन और दालों में 2 मिलियन टन की वृद्धि का 2 मिलियन टन की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। एक आता है राष्ट्रीय बांस मिशन। बांस मिशन के तर्ज पर नवंबर 2004 को राष्ट्रीय बांस मिशन की स्थापना की गई। यह 570 करोड़ रुपए की लागत की राष्ट्रीय बांस बीमा योजना है। भारत विश्व में बांस उत्पादन में दूसरे स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा देश है। अब आया दूसरा बहुत फेमस है, नेशनल बैम्बू मिशन या राष्ट्रीय बांस मिशन। कब हुआ? 2004 में। कैसे, कितने पैसे से हुआ? लगभग 570 करोड़ रुपए से। केंद्र प्राय स्कीम कैसी थी? केंद्र प्रायोजित स्कीम थी।
भारत विश्व में बांस के उत्पादन में दूसरा स्थान हासिल है और इसी को बढ़ाया जाना था। अगला है राष्ट्रीय किसान आयोग। राष्ट्रीय किसान आयोग, राष्ट्रीय किसान जो आयोग था फरवरी 2004 में कृषि मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। किंतु मई 2004 में सत्ता में परिवर्तन होने के बाद राष्ट्रीय किसान आयोग का पुनर्गठन कर दिया गया। राष्ट्रीय किसान आयोग का 2004 में पुनर्गठन कर दिया गया और इसके जो अध्यक्ष थे वो M.S. Swaminathan और इसके अध्यक्ष को 2004 में M.S. Swaminathan को बनाया गया। स्वामीनाथन सर ने आयोग द्वारा प्रस्तुत विभिन्न रिपोर्टों का जो अंश है वो निम्नलिखित है। नंबर पहला, किसान की जरूरत की आवश्यकताओं के आधार पर किसान मूलक नीतियों और उनके फायदे को देखते हुए क्रेडिट बीमा योजना, विपणन की व्यवस्था, किसानों के आर्थिक हित में लिए गए फैसले आदि को ध्यान में रखते हुए M.S. Swaminathan ने ये पहला बिंदु बताया। दूसरा, भारतीय व्यापार संगठन की स्थापना की जाए। दूसरा पॉइंट था भारतीय व्यापार जो संगठन है उसकी स्थापना की जाए। तीसरा, न्यूनतम MSP को कम से कम उत्पादन लागत से 50% अधिक दिया जाए और कृषि लागत और मूल्य आयोग को स्वशासी संवैधानिक संगठन बनाया जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं संप्रभुता बोर्ड की स्थापना की जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं संप्रभुता बोर्ड की स्थापना की जाए और कल जो हम लोगों ने चर्चा की थी कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला जाए। कृषि को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला जाए, ये भी M.S. Swaminathan का ही था कि एग्रीकल्चर को हमको स्टेट सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अभी राज्य कृषि पर आय लेने का जो कर का अधिकार है वो राज्य सरकार के पास है और केंद्र सरकार के पास नहीं है। अगर फिर राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार, फिर तीनों सरकारों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा, इसीलिए अभी कृषि को बहुत सारे विरोध उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसलिए कृषि को अभी समवर्ती सूची में नहीं डाला जाए। किस अर्थशास्त्री ने एग्रीकल्चर को समवर्ती सूची में डालने का सुझाव दिया? तो आपको पता है M.S. Swaminathan सर थे जिन्होंने एग्रीकल्चर को समवर्ती सूची में डालने का प्रयास किया गया। अगला है किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल। किसान कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर
और क्या था, दिमाग से उतर गया, कृषान कॉल सेंटर और एग्रीकल्चर चैनल। ये भी एक बहुत माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जबकि सरकार थी तब ये सेवा शुरू की गई थी। 21 जनवरी 2004 एस्टैब्लिशमेंट डेट याद रखिए, 21 जनवरी 2004, 21 जनवरी 2004 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किसान कॉल सेंटर और कृषि चैनल का शुभारंभ किया गया और यह देश के 8 महानगरों में स्थापित किया गया, 8 महानगर में स्थापित किया गया। किसान कोई बिना कोई शुल्क दिए 15551 नंबर डायल करके, एक उन्होंने डायल फ्री नंबर दे दिया 1551 किसान कॉल सेंटर का नंबर, कोई भी अपने मोबाइल से इसको डायल करके कृषि के संबंधित जो भी जानकारी, जो भी दिक्कतें, जो भी समस्याएं हो, वो सीधे अपनी पूछ कर उसको दूर कर सकता है और इसमें हमेशा एक्सपर्ट उपस्थित रहते हैं। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री द्वारा कृषि चैनल का भी शुभारंभ हुआ और कृषि चैनल इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया। एग्रीकल्चर जो चैनल है, कृषि चैनल, वो इग्नू या इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया। ठीक, तो आपको पता हो गया, किसान कॉल सेंटर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किया, स्टार्टिंग में 8 महानगरों में चालू किया गया, 1551 उसका नंबर दे दिया गया, किसान को कृषि से संबंधित कोई भी दिक्कत हो वो अपनी दिक्कत यहाँ पर पूछ सकता था। ठीक है, और इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर चैनल है उसका भी उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और ये ऑपरेट किया गया इग्नू के द्वारा। तो किसान कॉल सेंटर और कृषि चैनल, एग्रीकल्चर चैनल। अगला पॉइंट, केसीसी, सभी लोगों ने नाम सुना होगा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, केसीसी। कमर्शियल बैंक्स, आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक से, कौन कौन सी बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, वाणिज्यिक बैंक के, रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंकों से, इन तीनों जगहों से क्या मिलेगा, डेप्ट मिलेगा। डेप्ट मतलब ऋण मिलेगा। इस ऋण को आसान बनाने के लिए इन्होंने क्या शुरू किया, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। टुडे जस्ट लाइक एज ए एटीएम ये आज वर्क करता है, जस्ट लाइक एज ए एटीएम आप इससे पैसा निकाल सकते हैं, आज की तरह एटीएम की तरह है ये योजना। बहुत फेमस डेट है, बहुत कभी कभी प्रश्न बहुत आता है, 1998 में केसीसी का शुभारंभ किया गया था, आज इसको 23 साल पूरे हो चुके हैं। इसका बैंकन करने के लिए 27 कॉमर्शियल बैंक्स, 27 वाणिज्यिक बैंकें, 368 केंद्रीय जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, 96। अब देखिए जो स्ट्रक्चर है, कमर्शियल बैंक कितने हैं, कमर्शियल बैंक की संख्या 27 बैंक, 196 रीजनल रूरल बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 368 जिला केंद्रीय जिला सहकारी समितियां ये केसीसी को ऋण प्रदान करेंगी या ऋण देंगी। एक बहुत अच्छा शब्द है आइसोपोम, क्या है आइसोपोम, बहुत अच्छा नाम है आइसोपोम, किससे रिलेटेड है भाई, जब देश में हरित क्रांति हुई तो हरित क्रांति में क्या हुआ, एक पक्षी विकास हुआ, मतलब
कुछ फसलों का उत्पादन तो बहुत तेजी से बढ़ गया, लेकिन कुछ सेक्टर्स को नीचा रखा गया, वो नीचे चले गए। तो हरित क्रांति में गेहूं, धान, गन्ना और सोयाबीन जैसी फसलें अधिक हुई। गेहूं, धान, गन्ना और सोयाबीन लिख लीजिए। हरित क्रांति जब हुआ तो गेहूं, धान, गन्ना और सोयाबीन, इन फसलों का उत्पादन तो बेटा बहुत अधिक हो गया, लेकिन एक सेक्टर ऐसा था जिसके उत्पादन में भारी गिरावट आई। वो सेक्टर वो था दलहन, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का। दलहन, तिलहन, ज्वार, मक्का और बाजरा, इसकी तो ग्रोथ हो गई, ये डाउनफॉल में चला गया यार, ये डाउनफॉल में चला गया। अब हम इन चीजों के लिए दूसरों देशों पर निर्भर हो गए और उसी को देखते हुए सरकार ने इन सभी को, अब यहां पर तो डाउनफॉल हो गया, अब डाउनफॉल हो गया, ये एक सेक्टर तो ऊपर चला गया, दूसरे सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब इस सरकार ने देखा कि ये सेक्टर तो पीछे जा रहा है, इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, इस सेक्टर में प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सरकार ने एक स्कीम योजना डाली, आईसो होम। इस योजना के अंतर्गत इन सारे सेक्टर्स को भी ऊपर की तरफ बढ़ाया गया, उत्पादन को बढ़ाया जाने लगा ताकि फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिले। अब क्या होगा, हमें क्या करना है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स करना है, जिससे क्या हो, फसलों का विविधीकरण हो सके। तो आइसोपोम, हरित क्रांति के बाद कई सारी फसलों का उत्पादन, जो टारगेट रखा गया था, मात्रात्मक टारगेट रखा गया था, उसको बढ़ाने का था, लेकिन कुछ सारी फसलें जिनका उत्पादन तो बहुत अधिक हो गया था, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा था तिलहन का, दलहन का, ये क्षेत्र ऐसा था जिसका उसमें संपूर्ण अच्छी तरीके से ये इसका उत्पादन कम हो गया था। तो सरकार को इन क्षेत्रों को, इन फसलों के उत्पादन के लिए एक स्कीम को चलाया जाने लगा, जिसका नाम आइसोपोम था, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। 19 मई 2007 को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्या था, राष्ट्रीय कृषि सॉरी विकास योजना, ..2007 को शुरू की गई थी, मई 2007, और लिख लो 29 मई 2007 को कृषि एवं एलाइड सेक्टर्स में धीमी वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई और कृषि विकास रणनीतियों को नया रूप दिया जाना चाहिए, इस संबंध में बैठक हुई। और इसके इस योजना के लिए 25,000 करोड़ रुपए की एक्सेस ग्रांट देने का विचार रखा गया कि इस योजना में, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में, वो क्षेत्र जिनका विकास काफ़ी कम स्तर पर होया है, उसके लिए सरकार ने जो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो कृषि का लक्ष्य 4% था, उसको बढ़ाने का प्रयास किया और इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए का एक अतिरिक्त ग्रांट इसके लिए सैंक्शन करी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर आगे वाली क्लास में
हम लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड जो कमेटीज़ हैं और जो चीज़ें हैं आगे वाली क्लास में उसको हम और अच्छे तरीके से करेंगे। फिर आगे इंडस्ट्रियल है, कई सारी चीज़ें हैं आपको पढ़ने में, डे बाई डे और मज़ा आएगा। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, अब इसके लिए आपको थ्योरीज़ भी आनी चाहिए। अब थ्योरीज़ के लिए देखते हैं, अगर उसमें पॉइंट आउट करके छोटा छोटा उसको भी आपको बता देंगे, क्योंकि थ्योरीज़ में कई सारे मॉडल्स हैं, फायरेनिस मॉडल्स है, तो उसको भी धीरे धीरे करके बता देंगे, जिससे कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छा रहे। जब बेसिक अच्छा रहेगा तो एडवांस भी अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास, धन्यवाद।